स्वागत है आप सभी का ब्यूटी की किचन में। बनाती हूँ आज कुछ अच्छा सा जो सभी को पसंद है, तो चलते हैं जल्दी से किचन की तरफ। यहाँ पर मैंने ली है दाल उड़द की, थोड़ी सी इसमें मूंग की दाल मिलाई है और इसे मैंने भिंगो दिया था करीब 4 से 5 घंटे के लिए। और अब मैं इसे पीस रही हूँ मिक्सी में। दाल को मैंने पीस लिया और अब इसमें डालती हूँ हल्का सा नमक। इसे मैंने कर लिया तेल को गरम।
ये थोड़ा सा गुनगुना पानी कर लिया मैंने, इसमें डाल दूंगी मैं थोड़ी देर के लिए। हमें जितने भी भिगोने उतने हम गर्म पानी में डाल देंगे, बाकी के जब भी आप बनाना चाहें तब ऐसे ही बनाएं। इससे क्या होगा, दही बल्ले सॉफ्ट हो जाएंगे बहुत, और जो एक्स्ट्रा ऑयल होगा इनका वो भी निकल जाएगा पानी। मैं ले लेती हूँ दही, इसे अच्छे से चला लेती हूँ। तो थोड़ी देर पानी में डालने के बाद मैंने इन्हें हल्का सा हाथ से दबा के और दही में डाल दिया। क्योंकि मैंने पानी में भी हल्का सा नमक डाला था और दही बल्लों में भी नमक डाला, इसलिए मैंने दही में नमक नहीं डाला। अब इसके ऊपर डालती हूँ थोड़ा सा जीरा पाउडर। हल्का सा लाल मिर्च पाउडर, बहुत हल्का सा। और अब लगाती हूँ मैं प्लेट। Thank you.
थोड़ी सी ग्रीन चटनी, आप देख सकते हैं दही बल्ले बहुत अच्छे बने हैं। और जल्दी से आप लोग खाने आ जाओ, ये आप देख सकते हैं, ये देखिए मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। तो प्लीज नए हैं तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें मेरी वीडियो को प्लीज। मिलती हूँ कल एक नई वीडियो के साथ।